आपने करना क्या है, ये 8x 12 वोल्ट का कनेक्टर है, इसको निकाल देना है। इस कनेक्टर में दो पिन जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है, दो पिन ग्राउंड की होती है, आपको पता है। 12 वोल्ट की कट दे रखा है, इसके पीछे की दो पिन है 12 वोल्ट की है। ये हमारे पास एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसको अगर अभी हम चालू कर रहे हैं ना, तो ये चालू नहीं हो रहा है, फ्रंट पैनल से ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो VRM सेक्शन है वो शॉर्टिंग में तो नहीं है। कैसे पता चलेगा VRM सेक्शन शॉर्टिंग में नहीं है? आपने करना क्या है, ये 8x 12 वोल्ट का कनेक्टर है, इसको निकाल देना है। सही से निकाल लगाना, इसको निकाल देना है। इसको निकालने के बाद फिर हमें सिस्टम को ऑन करना है। अब ये ऑन हो गया, ठीक है। 8x 12 वोल्ट कनेक्टर निकालने के बाद बोर्ड ऑन हो रहा है, बट कनेक्टर जब लगा हुआ है फिर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो यानी कि क्या है, ये कनेक्टर जिस सेक्शन से जुड़ा हुआ है उस सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो आपको पता है 8x 12 वोल्ट कनेक्टर है, ये VRM सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, तो इसी सेक्शन में शॉर्टिंग है। हमें कैसे पता चलेगा इस सेक्शन में क्या शॉर्ट है? शॉर्टिंग आप दो तरह से चेक कर सकते हो, एक तो ऐसे चेक कर सकते हो सप्लाई देकर, एक विदाउट सप्लाई भी चेक कर सकते हो। कैसे विदाउट सप्लाई चेक करोगे? इस कनेक्टर को हमने यहाँ से निकाल दिया, बोर्ड पूरा रख लिया, और ये हमने CPU को निकाल लेना है, ठीक है। और ये मीटर लेना है कंटिन्यूटी पॉइंट, कहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट। इस कनेक्टर में दो पिन जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है, दो पिन ग्राउंड की होती है, आपको पता है। 12 वोल्ट की कट दे रखा है, इसके पीछे की दो पिन है 12 वोल्ट की है, एक पिन ग्राउंड पे रखोगे और एक 12 वोल्ट पे रखोगे। 12 वोल्ट की पिन ग्राउंड से बीप कर रही है, यानी कि इस बोर्ड में शॉर्टिंग है। 12 वोल्ट की पिन ग्राउंड से बीप नहीं करनी चाहिए, तो शॉर्ट हो रहा है। अब शॉर्ट इसमें क्या हो रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। MOSFET भी शॉर्ट हो सकता है, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, IC भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे MOSFET को। फर्स्ट ऑफ ऑल MOSFET की शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं? MOSFET की गेट की और सोर्स की पिन आपस में बीप नहीं करनी चाहिए, अगर कर रही है तो आपका MOSFET शॉर्ट है। पहला ये MOSFET है, इसको हमने चेक कर लिया, इसको चेक करो, ये भी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी शॉर्ट है। चलो और आओ, ये नहीं कर रहा है, यानी कि ये सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वैल्यू आ रही है, और ये भी ठीक है। यानी कि जो शॉर्ट हो रहा है वो एक ये वाला MOSFET हो रहा है और एक ये वाला हो रहा है, ये दो MOSFET शॉर्ट हो रहे हैं। अब हमें करना क्या है, इन दोनों MOSFET को यहाँ से हटा देना है, और उसके बाद हम चेक करेंगे शॉर्टिंग आ रही है चली गई। अगर इनको निकालने के बाद शॉर्टिंग चली जाती है तो हमारा VRM सेक्शन ओके। तो हम इनको निकालते हैं, इस MOSFET पे हीट मार, MOSFET पर निकालना, साइड ऑन नहीं करना, चेक करना शॉर्टिंग आ रही है नहीं आ रही है, सेम कंडीशन चेक करनी है।
यहाँ से सॉर्टिंग है कि नहीं? यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, लेकिन ये सॉर्ट हो रहा है। ये सॉर्ट क्यों हो रहा है? इसका सॉर्टिंग का रीज़न है ये पिन है, आपस में बैंड हो रखी ना, इनको हम अलग करेंगे तो वहाँ की सॉर्टिंग चली जाएगी। ठीक है, पहले मॉस्फेट चेक कर लेते हैं, ये जो हमने निकाले है वाकई में शॉर्ट है क्या? नहीं शॉर्ट है, शॉर्ट है ये तो मॉस्फेट ख़राब थे ही, लेकिन अभी इस सेक्शन में शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग का रीज़न ये है, अब इसमें इसका ये सॉकेट की जो पिन है ये आपस में टच हो रखी है, इनको हम सही कर देंगे और शॉर्टिंग गैप हो जाएगी। हटा दो,